ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਮ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज मैं आपको अपने किचन गार्डन की सैर करवाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मेरे पास क्या क्या लगा हुआ है। ये टमाटर की अपना खेत बना हुआ टमाटर है, ये ब्रोकली है, इसके लिए मैंने आज आपको बताना है, और इसके साथ ये सैलड है, और ये धनिया है, ये नींबू है, चाइनीज़ नींबू है, वो देसी नींबू है। ये 5 साल के बाद पहली दफ़ा फल देगा, लेकिन देसी नींबू फिर सुभान अल्लाह किस्म का होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ब्रोकली करीब से। मत गए ले जी। जी ये है ब्रोकली, ये बिल्कुल अब तैयार है, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि 20-25 दिन घर नहीं था। ये बीज निकालना शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी भी खाई जा सकती है। मैं ये देखें, ये कितनी फ्रेश है। ये बाज़ार से आपको बहुत महंगी मिलती है, और बहुत कम आपने सुना होगा कि लोगों के घरों में या अब यहाँ भी होती है, लेकिन ये यहाँ इसकी फसल होना शुरू हो गई है। तो आप अपने गमले में भी ये एक पौधा बड़े आराम से लग सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बीज भी बनने वाले हैं। ये देखिए, ये आइए इधर। अब इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, इससे मैं बीज लूँगा। ये अब इसके बीज बन जाएंगे, ये इतने बीज ही बहुत हैं। अगली दफ़ा ये पूरी जितनी मेरी ये ग्राउंड है ना, ये इससे भर सकती है, इतने ज़्यादा बीज होते हैं। ये है सही खाने वाली, ये वाली, ये मेरा ख्याल है 250 या 300 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। तो ये आप ना अपने घर में लगा सकते हैं। और ये सैलड देखें, इस पर कोई स्प्रे नहीं है। ये देखें कितना फ्रेश है, ये देखें, इस पर कोई स्प्रे नहीं है। ये हम खाते हैं धो के, ये ज़रा सा धोआ है ऐसे करके। ये दो किस्म का है, एक आइसबर्ग भी होती है, ये शायद आइसबर्ग है। यस, ये आइसबर्ग है। ये देखें, ये गोभी की तरह ये इतना सा अंदर बन जाता है इसके। तो ये दूसरी सैलड है जो आम हम खाते हैं, वो पुदीना लगा हुआ है, और ये रहा धनिया। लेकिन इस धनिया की जो खुशबू है, वैसी बाज़ार से जो धनिया हम लेके आते हैं जो इतना इतना बड़ा होता है, क्योंकि उस पर वो खाद वाद डाल के उसे बड़ा कर देते हैं, लेकिन उसकी खुशबू नहीं है। इसको अगर ये देखें, मैं ऐसे भी करता हूँ ना, ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। तो कोशिश करें कि ये जो कम से कम सैलड जो है, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, और ये सैलड के पत्ते, ये कम से कम आप अपने गमलों में भी अगर लगा लेना तो ये बड़ा कमाल हो जाएगा। आपको खुद फील होगा कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, क्योंकि ये जितना सैलड होता है ये हाजमे के लिए होता है। अगर आप हैवी चीज़ खाते हैं, गोश्त वोश खाते हैं, तो प्याज टमाटर ये धनिया ये हरे पत्ते, ये सैलड जितना भी होता है वो उसके हाजमे के लिए होता है। तो मैं ये अब काटने लगा हूँ, तो आपसे फिर कभी नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। इसको काटते हैं हम, ये दो थोड़े से मैं बीजों के लिए छोड़ दूँगा, ये लेकिन बीज के लिए नहीं है, इसको अभी रहने देता हूँ, मैं बाद में काट लूँगा। ये अब काटने ज़रूरी हैं, वरना ये ख़राब हो जाना शुरू हो जाएंगे, फिर ये किसी काम के नहीं रहेंगे। ये इतनी सी अगर आप लेने जाएं, आपको